सब्सक्राइब करें एवरीथिंग यू वांट योर चॉइस को, क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत 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 स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं लाई हूँ आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख चुके होंगे, Htc U11 दोस्तों लॉन्च हो चुका है हमारे इंडिया में दोस्तों। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक वाले बटन पर क्लिक कर दें, और वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर से ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कर दें, क्योंकि हम हमेशा ऐसे वीडियोस अपलोड यूट्यूब पे किया करते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पूरा देखिएगा विदाउट एनी स्किपिंग, स्किप मत कीजिएगा दोस्तों इस वीडियो को। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज दोस्तों मैं Htc U11 का रिव्यू दूंगा दोस्तों, और इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा दोस्तों। अगर इसका साइज का बात किया जाए तो आपको मिल जाएगा इसमें 5.5 इंच का डिस्प्ले यानी परफेक्ट रेजोल्यूशन। का बात किया जाए तो 1440x2560 पिक्सल का आपको रेजोल्यूशन मिल जाएगा। अगर स्टोरेज की बात किया जाए दोस्तों, तो आप इसको SD कार्ड लगा के 128GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं दोस्तों। तो इतना से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें फ़ोन दोस्तों। और Htc का अगर बात किया जाए तो इसका स्टाइल, बैक कवर और इसको देखते हुए हमें बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। बट दोस्तों, आप लोगों को पता होगा Htc सारा ब्रांड फ़ोन है जो जैसे यूथ के लिए यूजिंग नहीं है। जैसे यूथ यूज़ करते हैं कौन सा फ़ोन, जैसे 18-20 ईयर्स के लोग ये फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये फ़ोन दोस्तों ज़्यादातर यूज़ करेंगे बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन यूज़ करेंगे इस फ़ोन को, जो फ़ोन से ज़्यादा लगे नहीं होते। क्योंकि दोस्तों मैं इसका प्राइस बता दूँ तो इसका प्राइस है दोस्तों 50,000 इसका प्राइस है 50,000 दोस्तों। अगर रैम का बात किया जाए तो इसमें आपको 6GB रैम मिल जा रहा है। प्रोसेसर का बात किया जाए तो 2.45 GHz ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिल जा रहा है। अगर रियर कैमरा का बात किया जाए तो 12 अल्ट्रा पिक्सल में आपको रियर कैमरा मिलता है, और फ्रंट कैमरा आपको 16 MP का मिल जाता है दोस्तों। अगर एंड्रॉयड वर्जन बात किया जाए तो 7.1 का आपको इसका एंड्रॉयड वर्जन मिल जा रहा है, और बैटरी 3000 mAh का बैटरी है। तो दोस्तों, अब आप रिव्यू समझ गए होंगे, ये बड़े लोगों के लिए फ़ोन है, बिजनेसमैन के लिए जो ज़्यादा फ़ोन पे लगे नहीं होते, कम टाइम में कम फ़ोन यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा आप सभी लोगों को मेरा बात समझ आ गया होगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर ये तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी जल्दी हमारे वीडियो पर लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और कैसे भी सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक कर दें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।